स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मासा को मैंने खुद ही कहा कि चक्कियां बढ़ाऊंगी, अब बढ़ानी तो पड़ेगी ना। पर संतोष, 5 किलो की चक्कियां तो अकेली बनाएगी? तू ऐसा कर, तू बीनड़ियों से बात करो। बीनड़ियों से ये काम करवाना मोटियारा के हाथ से लुगाए के माथे से जुए निकालने के बराबर है। रात भर में एक भी चक्की को नहीं बढ़ा पावेगी, मन नहीं करना पड़ेगा। एक बार सोचो कि सूरज ने बोलती हो, पर ना वो भी दुकान में पूरे दिन माथा पच्ची करे, उससे भी कहना ठीक ना होगा। इसो के देख रहे हो, अभी मारे इतना बुढ़ापो ना आयो है कि जो 5 किलो की चक्की अकेले ना बढ़ा पाऊंगी। बस सबके कमरा की बत्ती बंद हो जानते हो। देख ले संतोष, मासा का मामला है। क्या हो गया तुझे? है तिराज भाई, किसको देख रही है? धीरे बोलो ना, इतनी तेज क्यों बोल रहे हो? अरे पता नहीं, रात को आवाज के पंख लग जाते हैं और घर घर में जाके वो उड़ती रहती है। मैं तो ये देख रही थी कि सबके कमरों की बत्ती बंद हुई है कि नहीं। बत्ती बंद हो जाए तो जरा स्टोर रूम से सिलबट्टा ले आओ। सिलबट्टा ले आओ? हाँ। सिलबट्टे का क्या करेगी तू इतनी रात को? माता पता फोड़ेगी किसी का? किसी का सर क्यों फोड़ूंगी? वो जो दवाई लाई हो ना, उसे पीस कर शहद में डालकर खानी है। रामबाण इलाज है जी, रामबाण। देख लेना, उसके बाद हमारा बेटा होने से कोई ना रोक सके। हाँ डरे भैया, बेटा जब होगा तब होगा। अपने घर में मुझे चोरी के इल्जाम में फंसवाएगी तू? मैं नहीं करूंगा। कर दो ना। नहीं करूंगा मैं। कर दो ना। नहीं। ए जी। डरे मैं नहीं करूंगा। ए जी जी क्या कर रही है? मान जाना, मान जाना। प्लीज 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 प्लीज। अब देखती हूँ सबके कमरे की बत्ती बंद हुई है कि नहीं। हाँ बंद हो गया, भी बंद है। तो मैं तू 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 अपने घर में चोर। एक काम ठीक से नहीं करते। बावली मुझे मरवाएगी। विक्रम के होयो? बाबू पानी पी रहा था। पानी? पर पानी का जग तो मैं थारे कमरे में भी भरकर रखा है। बाबू गिलास नहीं था ना रूम में, तो अब पी लिया। बड़ी नींद आ रही है, मैं जाता हूं।
ये विक्रम की चाल को क्या होगा? लागे है दुकान में बैठे बैठे कमर अकड़ गई उसकी, जदी है यहाँ चाल रहे हैं। हे मारा राम जी, बाबू इस वक्त आंगन में क्या कर रही है? आप एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूं। बाबू तू इतनी रात में भट्टी जला के क्या कर रही है? कोई मिठाई बना रही है क्या? हाँ, वो मासा ने 5 किलो चक्की बनाने को कहा था, उनके गांव भिजवाना है। पर भाभू तू अकेली कैसे बनाएगी? मुझे कह दिया था, मैं मदद कर देता ना। घंटे दो घंटे में खत्म हो जाएगा, जा तू जाकर सो जा। और वैसे भी छोरा सारे दिन दुकान पर भट्टी के सामने ही बैठे रहे, रात में भी काम पर लगा दूंगी ना, तो फिर आराम कद करेगा छोरा। जाकर तू आराम कर, जा छोरा। छोरा खड़े होके जाकर आराम करना। जी। ये कैसी मुश्किल है, क्या करूं? संता जी को कॉलेज छोड़ने जाना भी है और यहां बाबू को ऐसे अकेला काम करता छोड़ मेरा बाहर जाना ठीक रहेगा क्या? नहीं नहीं बाबू, तू अकेले कैसे करेगी? दोनों मिलके काम करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तू कहती है ना कि मैं आराम कर लूं, बाबू तू कौन सा आराम करती है? दिन भर तो काम करती रहती है। बाबू बीमार हो जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है बाबू कि तू काम करे और मैं आराम करूं? नहीं बाबू ला, मैं मदद करता हूं। दोनों मिलके ऐसी चक्कियां बनाएंगे कि मजाल मासा की कि कोई नुक्स निकाल दे। बाबू मैं भी करता हूं। ठीक है चल। बाबू मैं बस 2 मिनट में आ रहा। संध्या जी माफ कीजिए, वो भाभू के लिए। नहीं सूरज जी, सूरज जी इस चीज के लिए आप माफी मत मांगे, ये तो एक प्रेरणा की बात है हर औलाद के लिए। आपने जो किया उस पर मुझे नाराजगी नहीं, गर्व है आप पर, क्योंकि आज मुझसे ज्यादा भाभू को आपकी जरूरत है। तो ठीक है संध्या जी, लेकिन आपका कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। देखिए अगर ऐसी रुकावटें आती रहीं तो आपकी पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए सूरज जी। मैंने आपसे वादा किया था ना कि चाहे जितनी परेशानी आए मगर मैं पीछे नहीं हटूंगी, तो समझ लीजिए शायद आज ये मेरे वादे की ही परीक्षा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेले कॉलेज चले जाऊंगी। अकेले? इतनी इतनी रात के? संता जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक टाइम के लिए मैं सोच सकता हूँ कि आप घर के बाहर,
लेकिन अजमेर। सूरज जी आप चिंता मत कीजिए, मैं टैक्सी से चले जाऊंगी। ठीक है, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगी। मैं अंकुर जी से बात करता हूँ, वो आपको छोड़ देंगे वहां तक। सूरज जी शायद आप भूल रहे हैं कि जिस सपने के लिए आप मुझे अजमेर भेज रहे हैं वो एक बहादुर पुलिस ऑफिसर बनने का है। पुलिस की नौकरी और ट्रेनिंग में तो इसे रात को बाहर जाना खतरों में से सबसे हल्का खतरा है। तब किसे साथ भेजेंगे और कैसे साथ आएंगे? नहीं संध्या जी, तब की बात और है। तब आप एक बड़ी पुलिस अफसर नहीं होंगी, आप पुलिस वर्दी में होंगी, तो जीपें आपके साथ चलेंगी। तब मैं निश्चिंत होकर आपको। लेकिन सूरज जी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना, तो फिर आज क्यों नहीं? ऐसे डर कर तो काम नहीं चलेगा ना। आप विश्वास कीजिए मैं अकेली चले जाऊंगी, और अगर फिर भी आपको लगता है तो अभी वक्त है सूरज जी, पीछे हट जाते हैं। नहीं संध्या जी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप एक काम कीजिए, ये फोन अपने पास रख लीजिए, मैं वक्त से आपको फोन करता रहूंगा। और हाँ, संभाल के जाइए। वो सब तो ठीक है सूरज जी, पर अभी भाभू नीचे है, ऐसे आप यहीं पे रुकिए, मैं नीचे जाके कोई इंतजाम करता हूँ। मैं आपको इशारा करूंगा, आप निकल जाना। मुझे दे, बहुत भारी हो गया होगा ना, तो एक काम कर, बादाम लिया अभी से थोड़े डालेंगे ना तो स्वाद अच्छा आएगा। ठीक है चल। काजू, अरे पहाड़ी वाले बाबा ने देखा कि किस तरह से बाबा सा ने मारे काजू खाए हैं, हजम को नहीं होंगे बाबा सा को। हे भगवान, पता नहीं मैं ऐसा क्या खा गया कि पेट में हबड़ तबड़ मच गई। ऐसा लगे जैसे किसी ने शराब दे दिया और पेट में भूकंप आ गया। अरे केक खा गया। मीना बिंदनी कह रही थी कि ज्यादा काजू खाने से पेट खराब हो जावे है। हाँ, अरे हाँ बिंदनी, तुम सही कह रही थी रे।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।